ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय के उप महानिदेशक ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार के उप महानिदेशक तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर ग्रुप चेन्नई ए के ग्रुप कमांडर कर्नल अरिंदम मजूमदार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान बुधवार को दोनों पदाधिकारियों ने राजनिवास और उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों अधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि पोर्ट ब्लेयर में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में दोनों अधिकारियों ने हिस्सा लेने के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, जहां शिविर बाधाओं को तोड़ने और राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर के युवा दिमागों को एक साथ लाता है। प्रतिभागी विभिन्न गतिविधियों में शामिल होंगे, जिनमें से विभिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की यात्रा और भारत जैसे विविध राष्ट्र के ढांचे में एकता के महत्वपूर्ण पर चर्चा शामिल है। शिविर में 17 एनसीसी निदेशालयों के 85 कैडेट और द्वीप समूह के 95 कैडेट भाग ले रहे हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।